पाठशाला में आप किस्सा अनसुना। आज शहीद भगत सिंह की जयंती है, इसलिए किस्सा अनसुना में आज शहीद भगत सिंह से जुड़ा एक किस्सा लेकर आया। तारीख थी 8 अप्रैल 1929। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दिल्ली सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के लिए पहुंचे थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के साथ एक तीसरा व्यक्ति भी था, जयदेव कपूर। असेंबली में एंट्री करने से ठीक पहले भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त से रुकने के लिए कहा। भगत सिंह ने अपने हाथ से घड़ी निकाली और जयदेव कपूर को पकड़ा। घड़ी देने के बाद बटुकेश्वर दत्त ने भगत सिंह से असेंबली के अंदर चलने को कहा, लेकिन भगत सिंह एक बार और ठहर गए। भगत सिंह की नजर जयदेव कपूर के जूतों पर पड़ी। जयदेव कपूर के जूते कटी फटी हालत में। इसके बाद भगत सिंह ने अपने नए जूतों को देखा, जो असेंबली में बम फेंकने के कुछ ही दिन पहले लिए गए थे। भगत सिंह ने जयदेव कपूर से जूते बदलने के लिए कहा और बोला कि अब वो जूते उनके तो किसी काम नहीं आने वाले, तो ये नए जूते तुम रख। इसके बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली के अंदर चले गए और वहां बम फेंका। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जयदेव कपूर ने भगत सिंह से मिले जूतों को याद के तौर पर संभाल कर रखा और 1994 में जयदेव कपूर की मौत के बाद ये आज भी यूपी के हरदोई में उनके घर पर सहेज कर रखे हुए हैं।